तो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। होप गाइस आप बहुत 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 अच्छे होंगे यार। ऐसे एनर्जी के साथ वीडियो बनाना यार कभी भी तो समझ रहे हो ना, ऐसे एनर्जी के साथ वीडियो बनाना। तो यार मतलब देख सकते हो यहाँ पे अभी पूरी हरियाली होने वाली है, पूरी मतलब खेत बनेगा यार कुछ। मतलब क्या मैं अभी क्या बोलूँ आपको, समझेगा कि नहीं पता नहीं। भिंडी होगा कुछ, करेला होगा, करेला हाँ करेला या कुछ मतलब हरियाली सब्जी, जो हरी सब्जी खाते ना, ऑर्गेनिक सब्जी खाएंगे हम। इसलिए अभी यहाँ पे साफ सफाई करेंगे मस्त। तो यार मैं ये पहले साफ सफाई कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी ये क्या बोलते हैं इसको, अभी कुछ ट्रैक्टर वगैरह आने वाला है बोलते। तो मैं साफ सफाई करने के बाद फिर मिलता हूँ, ठीक है? दो मिनट रुको आप। मिनट का 5 मिनट बन गया। तो यार देखो अभी मेकअप करके आप मस्त लगेगा, ब्लॉग बनाऊंगा। तो यार फिर से मेकअप गया, फिर से मेकअप करके आना पड़ेगा यार। नहीं तो फिल्टर कैसे मिलेगा यार आप सभी को यार। तो मतलब आपको एक छोटी सी जर्नी बताता हूँ, मतलब इधर की मतलब मेरी एक छोटी सी जर्नी बताता हूँ कि इसी रोड में मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, मतलब अपने गाँव के ऊपर। मतलब मैं लॉकडाउन के ऊपर मतलब कहीं जा नहीं सक रहा, तो फर्स्ट वीडियो अपने रोड में बनाया था। और देखते देखते यार 60-70 वीडियोस बन गए यार। मतलब यार यकीन नहीं होता कि इतना यूट्यूब में इतने टाइम स्पेंड किया, इतना कुछ वीडियो बनाया, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन बताया, इतना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मैं भी सीखा। मतलब बहुत अच्छी जर्नी थी यार। और ऐसे यार 100 वीडियोस भी बन जाएंगे यार देखते देखते, पता नहीं। अरे फेस वैल्यू नहीं है इसलिए फॉलोअर्स या ये नहीं आ रहे, कोई बात नहीं यार। फेस वैल्यू जब बन जाएगा तब बनेगा यार। तो अभी इतना बड़ा जर्नी बोले तो बहुत बड़ी बात है यार। यार तो मतलब YouTube में इतना टाइम स्पेंड किया, इतना कुछ सीखा मैंने YouTube से। मतलब पहले ना मैं YouTube मतलब कैमरा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता था मैं ना। मतलब पहले सीखता था YouTube में अपना वॉइस कैसे डालूँ वगैरह, यही मतलब वीडियो कुछ और था और अपना वॉइस कुछ और था, मतलब कुछ डालता था। तब उतना ये नहीं मिला तो मैं छोड़ दिया था। फिर TikTok आया, TikTok भी छोड़ दिया। फिर से यार मतलब लॉकडाउन जब लगा था ना तो बहुत टाइम वेस्ट किया यार, बहुत टाइम वेस्ट। इतना टाइम वेस्ट कि कोई भी नहीं कर सकता था यार। तब तक तो लोग बहुत कुछ पैसे कमा लिए, बहुत कुछ कर लिए, जर्नी अपनी स्टार्ट किए थे लॉकडाउन के पहले। मतलब लॉकडाउन लगा था तब तो मैं मस्त टाइम वेस्ट कर रहा था, सो के रहता था, ये करता था, वो करता था। फिर कुछ ये नहीं था, मतलब कुछ सीखना चाहिए लोगों को, तो कुछ सीखना चाहिए लोगों से या कुछ। मतलब लॉकडाउन में बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन यार गई बात तो सब भूल जाओ। मतलब देर आए दुरुस्त आए, पता नहीं अभी सही है कि नहीं। लेकिन यार मतलब YouTube में इतना अच्छा जर्नी स्टार्ट किया मैंने, इतना अच्छा कुछ सीखा, इतना अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए, इतना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन आपको बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब बहुत अच्छा जर्नी थी यार। और इसी रोड में अपनी एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की थी YouTube में। और YouTube यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। हाँ मानता हूँ थोड़ा लेट 1-2 साल लगता है YouTube में जर्नी स्टार्ट करने में, या फेस वैल्यू रहे तो ठीक है, अगर नहीं रह रहता तो थोड़ा टाइम होता है। लेकिन यार मतलब बोलते हैं ना यार, मतलब बहुत कुछ सीख मिलता है ना YouTube से, वैसे मुझे बहुत कुछ सीख मिला यार। क्या बताऊँ, मतलब देखो पहले ना मैं कैमरा के सामने नहीं बोलता था, वो कैमरा फेस करना सीखा, फिर अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो आपको शेयर किया, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं वो आपको शेयर किया। मतलब बहुत कुछ सीखा यार, आपको बताऊंगा तो वीडियो इतना लंबा बन जाएगा क्या बात। लेकिन कुछ भी बोले यार, मतलब YouTube जर्नी इतनी अच्छी रही ना। और मतलब मुझे लगता है कि ऐसे ना दिन में 2-3-4-5 इतने वीडियोस अपलोड करूँ ना यार, क्या बताऊँ यार। मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतनी अच्छी फैमिलीज मिली मुझे, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब भाई ये मत कर, ये कर, अच्छा है वीडियो है तेरा, मोटिवेशन टाइप का है। मतलब बहुत कुछ, इतना कुछ सीख मिला इस वीडियो से, इतना कुछ मतलब बहुत कुछ है। मैं बताऊंगा ना रोना जाएंगे, रुला दोगे यार आप सब, रुला दोगे। मतलब
इतना कुछ सीखा यार मैंने कि क्या बोलता हूँ यार। तो आप सब अगर सोच रहे हो ना YouTube में आने का, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आओ यार। YouTube इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार YouTube में, क्या बताओ। आप है ना कुछ सीखने की इरादे आओ या कुछ इम्प्रूव मतलब इम्प्रूव करने आओ यार, आपके पास जो टैलेंट है वो करने आओ, लेकिन आओ यार YouTube में आओ। मतलब इसी रोड में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, इसी गांव से स्टार्ट किया और अभी भी गांव में ही हूँ, सोचो यार। यार तो मतलब मेरे वीडियोस अभी तक मेरी फैमिली को नहीं पता यार। कुछ वीडियो मैंने बनाए लेकिन पता नहीं कि किसमें डाला, मतलब ऐसी मेमोरी टाइप उनको पता है कि ऐसी डाल के हूँ ऐसे बना के हूँ। तो मतलब अभी तक किसी को भी नहीं पता मैं कहाँ पर डालता वीडियोस वगैरह वगैरह। तो यार इतनी ज़बरदस्त जर्नी थी यार कि क्या बताओ, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना वीडियो बना लूँगा यार। मतलब इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा मुझे कि क्या बताओ यार, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी करो यार, इसी रोड से स्टार्ट किया था तो इसी रोड में पार्टी करो, ऐसा लगता है। लेकिन क्या करो यार। और यार एक बात बताना चाहता हूँ यार, छोटी सी बात है यार, प्लीज़ आप अगर करवा दे तो ठीक है यार। यार मतलब बहुत सारे लोग यार वीडियो देखते यार, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग देखते हैं यार। लेकिन यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार प्लीज़ यार। लेकिन इसी मतलब लॉकडाउन में ना बहुत कुछ सीख मिला यार, मतलब क्या बताऊँ यार, आप सभी को बहुत कुछ सीख मिला इस लॉकडाउन में। यूट्यूब चैनल खोला, यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोज़ डाली, इतने कुछ कि क्या बताऊँ यार। यार फर्स्ट ब्लॉग, सबसे फर्स्ट ब्लॉग मेरा दिख लेना यार, आप अगर देखते होंगे तो। सबसे फर्स्ट ब्लॉग इसी रोड में स्टार्ट किया था, यही बोला था कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अपने गांव के इसमें हूँ, मैं किधर जा नहीं सकता तो अपना वीडियो इधर स्टार्ट किया। तो यार मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने गांव से जहाँ मैं पैदा हुआ, मतलब जहाँ मैं जन्म लिया, जहाँ मैं अपना पूरा बचपन बीता, वहाँ से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, तो बहुत बड़ी बात है। लोग मुझे पता है यार, लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए इधर जाते उधर जाते, यार मैं अपना एंटरटेनमेंट अपने गांव से किया यार, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं गर्व से बोल सकता हूँ यार, मैं अपने गांव से स्टार्ट किया ये ब्लॉग, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लोग कुछ भी बोले आई डोंट माइंड, लेकिन सफलता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो बात की बात है, लेकिन यार स्टार्ट तो किया मैंने कुछ, आप भी करो यार। तो होप गाइस वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आप प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दे, छोटी सी रिक्वेस्ट है यही कि आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब ही नहीं कर यार, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। होप गाइस मेरा वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया ना बहुत, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। होप यहाँ पे एंड करता हूँ, चलो बाय बाय। आपको बोरिंग नहीं किया तो होप, मुझे लगता है कि आपको बोर नहीं किया, तो यही कहूँगा कि रियली बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से यही बोलूँगा कि आप है ना टाइम वेस्ट मत करो, यूट्यूब चालू करो यार, इतने बोलूँगा। बहुत कुछ सीख मिलेगा यार, एक बार स्टार्ट करके देखो यार। तो यहाँ पे नहीं करता, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में यार, बहुत मज़ा आएगा यार, तब तक चलो मिलते हैं, बाय बाय।